गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर सेकंड जो है हमारा चैप्टर सेकंड है द फिशरमैन एंड द जिनी, एक मछुआरा और एक जिन की ये स्टोरी है वो हमने इस चैप्टर के हमने हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग कर लिए थे। मैंने आपको करवाए थे और आपको कहा था लर्न भी करना है, क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग लर्न किए आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो जो चैप्टर सेकंड है वो हमारा रनिंग में है, मैं आज आपको इसको रीड करवा रही हूँ। तो प्लीज़ ओपन योर बुक एंड रीड विथ मी। आप क्या करेंगे, मेरे साथ बुक ओपन करेंगे। आपको बुक ओपन करना है, चैप्टर सेकंड है द फिशरमैन एंड द जिनी। मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ, तो यू रीड विथ मी। ओके, ओपन योर बुक, ओपन करो सब लोग अपनी बुक। आज हम हमारा चैप्टर जो सेकंड है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जो हार्ड वर्ड्स है एक बार रिपीट करवा रही हूँ। एक्साइटेड, फीलिंग हैप्पी, कॉरियस, वेरी एगर टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग, थंडर, ए लाउड नॉइज दैट इज हियर्ड आफ्टर लाइटिंग, सेंचुरी, ए टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, जैग्नेटिक, वेरी लार्ज। ठीक है, ये हार्ड वर्ड्स हो चुके, अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओपन योर बुक, सबने ओपन करी, चलो स्टार्ट करें आज हम चैप्टर। हमारा चैप्टर जो है सेकंड वो स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ इसके हार्ड वर्ड्स और मीनिंग्स तो हो चुके, मैं आपको रीड करवा रही हूँ। ओपन योर बुक एंड रीड विथ मी द फिशरमैन एंड द जीनी। ये हमारा चैप्टर है। ए फिशरमैन लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन क्लोज टू द सी। एक जो फिशरमैन होता है, फिशरमैन कौन होता है, मैंने आपको बताया था मछुआरा, वो अपनी वाइफ मतलब पत्नी और बच्चों के साथ एक समुद्र के पास रहता था। द फिशरमैन प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ डैट ही कुड नॉट थ्रो हिज नेट इनटू द सी मोर देन 4 times every day। जो फिशरमैन था, द फिशरमैन प्रॉमिस हिमसेल्फ, जो फिशरमैन था उसने अपने आप से प्रॉमिस कर रखा था कि वो नेट को 4 बार से ज़्यादा उस समुद्र में नहीं फेंकेगा हर रोज़। मतलब उसका ये अपने आप से प्रॉमिस था कि वो समुद्र में एक दिन में सिर्फ 4 बार ही नेट को थ्रो करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय ही ब्राउट, वह लेकर आता होम घर पे इनफ फिश, पर्याप्त फिश टू सेल, बेचने के लिए, एंड ऑल्सो टू कुक सम फॉर डिनर, और वो कुछ अपने डिनर के लिए लेकर आता। मतलब अधिकतर समय तो उसका क्या होता था कि वो बहुत सारी फिश लेकर आता था जिनमें से वो कुछ बेच भी देता और कुछ अपने घर में पका भी लेता था। अर्ली वन मॉर्निंग, एक जल्दी सुबह, द फिशरमैन थ्रू हिज नेट इन टू द वाटर। एक दिन क्या होता है, बहुत सुबह जो फिशरमैन होता है अपना नेट वाटर में थ्रो करता है, एंड वेरी क्विकली, और जल्दी हिज नेट बिकम हैवी, और जल्दी ही उसका नेट क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। ही यूज्ड ऑल हिज एनर्जी, वो अपनी सारी एनर्जी यूज कर लेता है टू पुल इट आउट, उसको बाहर निकालने में। एक दिन क्या, वो जल्दी सुबह अपना नेट समुद्र में थ्रो करता है और जल्दी उसका नेट क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। मतलब भारी क्यों होता है, क्योंकि उसमें कुछ फंसा होगा। ही यूज ऑल हिज एनर्जी टू पुल इट आउट, वो अपनी पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति उसको बाहर निकालने में लगा देता है। ही वाज एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उत्साहित था कि आज तो मेरी एक बार में नेट में मेरे कुछ मिल गया होगा। बट लेकिन व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, ही फाउंड इन हिज नेट, कि उसने अपने नेट में क्या पाया होगा, उसके नेट में क्या था। इट वॉज द डेड बॉडी ऑफ ए डंकी, जब उसने नेट को फर्स्ट टाइम थ्रो किया तो उसके नेट में क्या था, डेड बॉडी, एक मरा हुआ डंकी था। डंकी मीन्स आपको पता है क्या होता है, गधा होता है। ही थ्रू हिज नेट, उसने वापस अपना नेट बैक इन टू द वाटर। ही थ्रू हिज नेट बैक इन टू द वाटर, उसने वापस अपने नेट को वाटर में थ्रो किया। थ्रो मीन्स होता है फेंकना। अगेन इट बिकेम हैवी, और दोबारा ही वो क्या हो गया, वापस नेट हैवी हो गया, भारी हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, दिस टाइम
इस समय आई मस्ट हैव लॉट ऑफ फिश इन माई नेट. उसने सोचा अब की बार मैंने जब नेट थ्रो किया तो मेरे नेट में बहुत सारी फिश होगी. आई शाल सेल सम, मैं कुछ बेच दूंगा. एंड वी शाल हैव सम फॉर डिनर, और कुछ मैं डिनर के लिए ले लूँगा. उसने कहा कि जो फिश मेरे नेट में फंसी है, सेकेंड टाइम भी जब उसने थ्रो किया तो उसका नेट भारी हो गया, तो उसने सोचा कि इस बार भी मेरे नेट में फ़िश आई होगी, बहुत सारी फ़िश होगी, तो मैं क्या करूँगा, कुछ तो मैं सेल कर दूँगा और कुछ मैं डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए रख लूँगा. ऑल ही फाउंड इन द नेट वाज ए बैग फुल ऑफ गार्बेज. लेकिन क्या हुआ, उसने क्या पाया अपने नेट में, ए बैग, एक बस थैला फुल ऑफ गार्बेज. गार्बेज मीन्स होता है कचरे का एक भरा हुआ बैग उसको अपने नेट में मिला. सेकेंड टाइम में उसको ये मिला था. ओ नो ही क्राइड, वो चिल्लाता है, अरे नहीं, वाट इज़ हैपनिंग, क्या हुआ, आर वी टू हैव नो फिश फॉर डिनर टू नाइट. अरे क्या आज मेरे पास डिनर के लिए कोई फिश नहीं रहेगी, क्या मेरे को आज डिनर के लिए कोई भी फिश नहीं मिलेगी क्या. उसने ये सोचा क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या आया था, डेड बॉडी आई डंकी की, सेकेंड टाइम में गार्बेज आया, तो उसने क्या आज रात के डिनर के लिए मुझे क्या कुछ भी नहीं मिलेगा. ही थ्रू द नेट इन फोर द थर्ड टाइम. ही थ्रू द नेट इन फोर द थर्ड टाइम. अब उसने तीसरी बार के लिए नेट को थ्रो किया. थर्ड टाइम मतलब तीसरी बार, थ्रो मतलब फेंकना. किसने, फिशरमैन ने. दिस टाइम टू ही वॉज नॉट लकी. इस बार भी वो क्या था, भाग्यशाली नहीं था. हिज नेट केम आउट ऑफ द वाटर फुल ऑफ शेल एंड स्टोन. हिज नेट केम आउट, इसका जब नेट बाहर निकाला, इस बार भी वो लकी नहीं था, भाग्यशाली नहीं था, क्योंकि जब उसने नेट को अपने नेट को बाहर निकाला तो उसमें बहुत सारे शेल और स्टोन थे. उसके नेट में शेल और स्टोन मतलब पत्थर और शेल जो होते हैं ना समुद्र में सीप वगैरह जो मिलते हैं वो था. आई शाल थ्रो इट इन द वाटर जस्ट वन मोर. अब मुझे सिर्फ, अब आई शाल थ्रो इट, अब मैं इसको सिर्फ एक बार और फेंकूँगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि मैं चार बार से ज़्यादा नहीं फेंकूँगा, तो ये उसका लास्ट चांस था. इस बार उसका क्या था, लास्ट चांस था नेट को थ्रो करने का. सैड द फिशरमैन सैडली. अब उसने सैडली मतलब दुखी होकर बोला, अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही चांस बच गया नेट फेंकने का, और अब मैं इससे ज़्यादा नहीं फेंक सकता. दिस टाइम व्हेन ही पुल्ड अप द नेट, इस समय जब उसने अपने नेट को पुल किया, खींचा, ही फाउंड ए कॉपर जार इन इट. उसमें उसको क्या मिला, एक कॉपर जार मिला. कॉपर मतलब तांबे का एक जार मिला. द जार वॉज टाइटली शट विथ ए लीड मेड ऑफ लीड. द जार वॉज टाइटली शट, जो जार था वो मतलब टाइटली मतलब जोर से बंद था. विथ ए लीड, एक ढक्कन से, मेड ऑफ लीड, जो एक लीड, लीड मतलब होता है एक धातु होती है, उस धातु से जो जार था वो बंद, टाइटली मतलब जोर से बंद था, खुल नहीं सकता था वो इजीली. देयर वाज ए स्ट्रेंज मार्क ऑन द लीड. लीड मीन्स होता है ढक्कन, और उस लीड पे मतलब जार की लीड पे एक स्ट्रेंज अजीब सा मार्क बना हुआ था. इट लुक लाइक द सील ऑफ ए किंग. और ये जो सील जार के ऊपर थी, जो मार्क था स्ट्रेंज, वो ऐसे लग रहा था वो किसी राजा की सील हो. वेल अच्छा, ही सैड, उसने कहा, सम टाइम इट्स बेटर देन नथिंग. कुछ नहीं से तो जो कुछ है वो अच्छा है. मतलब अगर फिश नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मुझे जार ही मिल गया, अब इस जार को सेल कर दूंगा. आई शाल सेल दिस टू ए कॉपर स्मिथ. मैं इस जार को एक कॉपर स्मिथ, जो तांबे के बर्तन बनाता है, उसको सेल कर दूंगा. ही विल गिव मी सम मनी फॉर इट. जब मैं उसको सेल करूंगा तो उसके बदले मुझे वो कुछ मनी देगा. आई कैन देन बाय सम फूड फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन. और फिर जो मनी मुझे जार को बेचने से मिलेगी, उससे मैं अपने बच्चों के लिए और वाइफ के लिए कुछ फूड बाय कर लूँगा, मतलब खरीद सकूँगा. द फिशरमैन वॉज कॉरियस अबाउट द जार. जो फिशरमैन था वो जार के बारे में बहुत ज़्यादा कॉरियस था, जिज्ञासु था कि ये जार है, इस जार के अंदर क्या है, ये राजा की सील क्यों लगी है, इसको जोर से बंद क्यों किया हुआ है. ही वंडर, वो सोच रहा था, व्हाट वाज इनसाइड इट, कि इसके अंदर क्या है. वंडर मतलब होता है सोचना, थिंक, थॉट. ये वंडर की सेकंड फॉर्म है, तो थिंक की भी सेकंड फॉर्म आएगी,
क्योंकि वंडर मतलब होता है सोचना, तो वो जो फिशरमैन था वो सोच रहा था कि इस जार के अंदर क्या है। ही शूक इट, वो इसको शूक करता है, हिलाता है, बट देयर वॉज नो साउंड, लेकिन इसमें कोई भी साउंड नहीं आता। देन फिर ही टुक ऑफ द लीड एंड पुफ, वो क्या करता है अपनी कॉरियस की मिटाने के लिए, वो क्या करता है उस लीड को हटा देता है, उस ढक्कन को वो खोल देता है। आउट केम ए लॉट ऑफ थिक स्मोक, जब वो उसको खोलता है जार के लीड को ढक्कन को, तो एक बहुत सारा लॉट ऑफ थिक स्मोक, एक घना सा स्मोक उस जार में से बाहर निकलता है। द स्मोक स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, जो स्मोक होता है वो सारे आकाश में स्काई में स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड मतलब फैल जाता है, स्मोक मीन्स धुआं, जो धुआं उस जार से निकलता है वो सारे आकाश में फैल जाता है। एंड टुक द शेप ऑफ ए मॉन्स्ट्रस स्कैरी जिन, और जो जार में जो जार से जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, वो एक मॉन्स्ट्रस स्कैरी जिन की शेप ले लेता है। मॉन्स्ट्रस राक्षस होते हैं, डरावना जिनी मतलब, जब ये स्मोक उस जार से बाहर निकलता है तो वो एक राक्षस एक जिनी की ये शेप ले लेता है। ये रहा इसमें जिनी, इसमें ये बताया हुआ है, एक डरावने राक्षस की वो एक शेप ले लेता है, एक जिनी की शेप ले लेता है। जिनी मतलब जिन होता है, आपने अलादीन और जिन की कहानी भी सुनी होगी, वो चिराग में से उसको जब रब करता है तो एक जिनी निकलता है, ये उसी तरह है। तो एक ये जिनी उस जार में से बाहर निकलता है, जब जिनी जार में से बाहर निकलता है तब उसके बाद अब क्या होगा ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। ये जो स्टोरी है मैंने आपको आधी रीड करवा दी, हाफ हो चुकी है, बाकी की हाफ हम लोग नेक्स्ट पीरियड में रीड करेंगे, तब आपको बताऊंगी अब आगे जब जिनी उस जार में से बाहर निकलता है तो व्हाट हैपन विद द फिशरमैन। ओके, थैंक यू।